हेलो फ्रेंड्स तो इन आर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड ऑल द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने क्या क्या देखा डेफिनेशंस पढ़ी हमने नेचर देखा मैनेजमेंट का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन वो सब भी देखा राइट तो वी आर क्लियर विथ ऑल द बेसिक पार्ट बेसिक आइडिया ऑफ मैनेजमेंट राइट कि भाई मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस वो सबको करना पड़ेगा राइट बेथर इट इज़ एन प्रोफेशनल और इट इज़ इन पर्सनल लाइफ बट मैनेजमेंट इज नीडेड इन एवरी थिंग इफ यू इफ यू नीड टू बी सक्सीडेड राइट सो वी हैव स्टडीड ऑल दोज थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली करना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो सब हमने पढ़ लिया Now in today's class, what we are going to discuss is we are going to discuss the various levels of management. Management के कुछ levels हम discuss करने वाले अब वो level क्या है कौन से point पे उन लोगों ने ये levels decide करे हैं Why such levels are needed? वो सब हम देखेंगे See basically, uh, when it comes to levels of management, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सो स्मॉल दैट देर आर टू और थ्री पीपल रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग द मनी एंड स्पेंडिंग द मनी एवरीथिंग टू और थ्री पीपल आर डूइंग दे डोंट हैव एनी स्टाफ मेम्बर्स दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग प्रॉपरली दैन इन दैट केस देर वोट भी एनी काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट

Remember friends, we have studied the definition of management in such a way that management is all about getting the work done from others. किसी और के पास से काम निकलवाना निकलवाना इन अ गुड वे राइट इन अ गुड सेंस कि मुझे किसी के पास से काम निकलवाना है प्रॉपरली मैनेज करके प्रॉपर मैनेजमेंट करेक्ट सो when my ऑर्गेनाइजेशन गोज बिगर आई नीड प्रॉपर पीपल टू रन माई ऑर्गेनाइजेशन आई कैन नॉट रन ऑन माई ओन ओनली अदरवाइज इट विल बी लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैं सिंपल से एग्जाम्पल आपको दू कि भाई मेरे क्लासेस है एक जगह पर है एंड मैं सब मैनेज कर रही हूँ इट इज फाइन बट वैन आई एम मेकिंग टू थ्री फोर फाइव ब्रांचेस और फिर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं नहीं आई विल मैनेज ऑल द ब्रांचेस सभी ब्रांचेस का मैं ही देखूँगी इज इट पॉसिबल Definitely, it is not going to be possible. I need some leaders who can lead the branches and then who can report to report it to me this branch. Pe aisa chal hai. I should go and check it out. I should have a look on all the branches. That is fine, but I cannot say that I am going to run all the branches on my own, and I don't need people to run the same or I don't need the competent people to run run the same. यू नीड द कम्पैटेंट पीपल आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हो आपको वैसे ही कंपेटेंट पर्सन चाहिए टू डू ऑल योर जॉब इन योर एबसेंस आप नहीं हो तो भी आपका जो काम है वो कोई और करना चाहिए करेक्ट दैट इज कॉल्ड अ गुड मैनेजमेंट कि भाई हाँ मेरे पास टीम ही इतनी स्ट्रांग है कि इवन दो आई एम नॉट देयर फॉर अ वाइल्ड माई टीम विल मैनेज एवरी थिंग राइट सो वैन माई ऑर्गेनाइजेशन गोज बिगर आई नीड मोर एंड मोर पीपल एंड वैन द पीपल आर इंक्रीजिंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन वैन माई स्टाफ इज इंक्रीजिंग वैन माई एम्प्लॉयज आर इंक्रीजिंग आई नीड सच लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास कुछ लेवल्स है आपको समझाने के लिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ सी I'm making this triangle. वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी है और हम उसमें से भी देखेंगे ही नॉट टू वरी बट आई एम मेकिंग दिस ट्राइंगल इसमें यहाँ पे जो अपर लेवल जो फर्स्ट थ्री लाइन्स यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन बिटवीन यहाँ पे जो लोग है दट आर दिडल लेवल मैनेजमेंट एवरीथिंग आई एक्सप्लेन नॉट टू वरी एंड यहाँ पे जो लोग है दिस आर बॉटम लेवल मैनेजमेंट ये सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई एल टेक अ

वो सारे लोग जिनसे ये ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग द हाइएस्ट ऑथॉरिटी एज वेल एज हाइएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल वो सभी लोग कहाँ जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाएंगे क्योंकि उनके अंडर इतने सारे लोग काम करने वाले हैं सी मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि मेरे क्लासेस है देन आई बी द टॉप लेवल आई बी इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट राइट बिकॉज अंडर माय हेड देर विल बी मैनी मोर पीपल हु आर गोइंग टू हैंडल वेरियस ब्रांचेस वेरियस स्टूडेंट्स वेरियस सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा राइट सो टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स वो द ओनर्स द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द फॉर्म और दर्गेनाइजेशन राइट To whom the organization actually belongs, right? Then there is middle level management. When it comes to an organization, who is having various processes like production, purchase, sales, finance, accounts, uh, research and development, uh, the HR, human resource, yani ki personnel. Those sare departments hai organization. Then all the people. आर देर इन दिस वेरियस डिपार्टमेंट्स तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के कोई हेड्स होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड विल भी देर पॉर्चेज मैनेजर पॉर्चेज हेड विल बी देर सेल्स हेड विल भी देर फिनेंस हेड विल भी देर हु आर कंपेटेंट हु आर हैविंग अ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड नॉलेज कि भाई हाँ फिनेंस है तो फाइन सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर रख दिया मैंने यहाँ अकाउंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दिया है सो दिस पीपल आर हैविंग अ स्पेसिफाइड नॉलेज इन द स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट राइट तो दोस पीपल विल बिलोंग टू वेयर मिडल लेवल मैनेजमेंट जो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे हु आर हैविंग अ स्पेसीफाइड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर थिंगस दैन देर इज बॉटम लेवल मैनेजमेंट दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर द मिडल लेवल मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के अंडर भी बहुत सारे लोग है जो वर्क कर रहे हैं all those supervisors all those employees who are working under the head of particular department those all the people will belong to where bottom level man मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट दैट डज नॉट मीन कि फैक्ट्री के लेबरर्स की मैं बात कर रही हूँ दो स्टूडेंट्स आर हैविंग सर्टेन रॉन्ग इम्पैक्ट कुछ रॉन्ग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके दिमाग में पर वो गलत है फैक्ट्री के वर्कर्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पे इवन द सुपरवाइजर्स हु आर जस्ट सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस विल आल्सो कम इनटू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट करेक्ट तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे बॉटम लेवल में ये मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा अब मैं यही चीज आपको अपने रिसेंट जो भी चल रहा है दैट इज आवर वर्स्ट वायरस कोविड नाइन्टीन राइट जो चल रहा है अभी उसके एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा और याद भी रह जाएगा सी दिस वायरस हैज़ बीन स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट मैं एज ऑफ नाउ इंडिया की बात करूँ अपने देश की बात करूँ तो यहाँ पे वी आर वी ऑल आर ट्राइंग कि ये कम हो या स्प्रेड होने से बचे राइट पर ये सब कुछ ट्राई किस लिए पॉसिबल है वाई दिस ट्राई इज़ गेटिंग सक्सेसफुल वाई इज हाउ इज़ इट पॉसिबल आवर लीडर इज स्ट्रॉन्ग इनफ आवर लीडर इज देअर हू इज़ गाइडिंग ऑल ऑफ अस कि भई आप अकॉर्डिंगली काम करें घर पर रहिए सेफ रहिए वो इतने इतने फ्रीकुंट वे में हमसे बात करने टी वी पर भी आता है कि भाई आप तो ये करना है वो करना है घर पे रहना है एक्सेट्रा सेफ्टी मेजर्स रखने हैं एक्सेट्रा तो अवर प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग अस टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू राइट बट क्या प्राइम मिनिस्टर जी हमारे घर पे आके बोल के जाते हैं हमें सोसाइटी में आके कि आप घर पे हो ना सब घर पे रहना क्या वो खुद अहमदाबाद में देखने आते हैं कि भाई लॉकडाउन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा फॉलो इवन नॉट प्राइम मिनिस्टर जी मैं ऐसा बोलूँ कि विजय रूपानी जी जो है क्या गुजरात के सी एम देखने आते हैं अब हमारी सोसाइटी में कि लॉकडाउन का अमल हो रहा है कि नहीं हमारे एरिया में कि लॉकडाउन का अमल सही से हो रहा है फॉलो हो रहा है कि नहीं द आंसर इज नो वाई सो बिकॉज ऑल ऑफ वैम हैव ऑलरेडी डेलीगेटेड ऑलरेडी गिवन डैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम वो सभी ने उन लोगों की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सभी किसी और को दे के रखी है ऑलरेडी विजय नेहरा जी है तो उनके पास ऑथोरिटी भी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखने की कि भाई हर जगह पे प्रॉपर लॉकडाउन फॉलो हो ऑथॉरिटीज कोई फॉलो नहीं कर रहा है ही कैन इश्यू दगेंस्ट हिम और ही कैन जस्ट पुट द पर्सन इन टू जेल ऑल्सो कि खत्म हो गई बात कि नहीं भाई आपने लॉकडाउन का फॉलो नहीं किया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल तो वो ऐसा कर सकते हैं ही इज हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज दैट ऑथोरिटी राइट यहाँ पे मैंने आपको दो तीन लोगों के नाम बताए उसके ऊपर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि हाँ इसमें से ये टॉप लेवल पे होंगे शायद ये मिडिल लेवल पे होंगे ये बॉटम लेवल पे होंगे राइट मैं अभी लिख के आपको बताऊं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है ही विल बी द हाइएस्ट ऑफ द ऑथोरिटी करेक्ट पहले समझ लेना अच्छे से फिर विल गो टू द टेक्स्ट बुक He will be having the highest of the authority. उनके पास highest authority है हम सबको पता है कि भाई कभी बोलते हैं कि कुछ बैल बजाओ कुछ बजाओ खिड़की पर जाके बालकनी में जाके अप्रिशिएट करो हेल्थ वर्कर्स को कभी बोलते हैं कि कैंडल जलाओ और वो बोलते हैं वैसा होता भी है ही इज़ हैविंग द highest ऑफ द authority. वो बोलते हैं वो सब करते भी है एक्सेप्ट फॉर सम तो ही इज द ऑथोरिटी बट एट द सेम टाइम कुछ गड़बड़ हो जाए कुछ गलत हो जाए कुछ इधर का उधर हो जाए तो लोग कोसते भी उन्हीं को है करेक्ट लोग उनके बारे में ही बुरा बोल देते हैं कि ये क्या उन्होंने अच्छे से लॉकडाउन का पालन तो होता नहीं है देश में क्या आके बस ऑर्डर करके चले जाते हैं इन दैट केस he is the responsible person even though he does not i mean he is not having that responsibility to come to your area and see whether the lockdown has been followed or not but still he is responsible so can i say he is having the highest of the authority as well as highest of the responsibility there is a saying which says uh, higher the authority higher the responsibility Higher the power, higher the responsibility, so here also the Prime Minister is having highest of the authority at the same time he is having highest of the responsibility as well. he is representing our nation worldwide, so he will be responsible for any bad or any good, right? So, I hope you are clear with the top level management, right, so Prime Minister G is at the टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट राइट मैनेजमेंट ऑफ आवर कंट्री अब वो तो घर घर नहीं जा रहे पर वो कर क्या रहे हैं काफी सारे लोगों से मिल रहे हैं टीएम ऑफ वेरियस स्टेट्स काफी सारे कमीशन commission, कमिश्नर से मिल रहे हैं काफी सारे, मिल रहे हैं एज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिस पे मिल रहे है right? राइट तो काफी सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं काफी सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं स्टेट वाइज गाइड कर रहे हैं अभी आपने न्यूज़ में देखा हो तो विलेज के जो सरपंच होते हैं उनके साथ भी बात करी कि भई वहाँ पे क्या फूड और वो सप्लाई सब सही पे पहुँच रहा है कि नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है कुछ सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स अगर करने पड़े तो वो सब भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करी तो वॉट ही इज डूइंग सी एम कमीशन आई मीन कमिश्नर सॉरी ऑथोरिटीज वेरियस अथॉरिटीज़ आर देयर सो आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑल वो सबके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर रहे हैं सी एम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स राइट एंड वो ये सभी लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने स्टेट में अगर लॉकडाउन ऐसे सही नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग द गाइडेंस कि इन दिस वे यू कैन गो राइट पर आप लोगों ने उसमें भी मैं आपको बताऊँ तो आपने अगर न्यूज़ में देखा हो तो कुछ कुछ न्यूज़ में ये आया था कि भाई आ, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट हैज़ द ऑथोरिटी वो अपने स्टेट के लिए जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि लॉकडाउन लंबा आई मीन ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेच करना चाहिए तो दे कैन डू If they feel that they have a curfew ki, uh, need, hai, so they can do that also, also, right? So, can I say this middle level people are there? Yes, these people are middle level people as compared to Prime Minister Ji, definitely. These people are also having the authority to stretch the lockdown, to make a curfew rule, to uh, make all the changes in whatever surroundings are there. दे ऑल आर हैविंग ऑल द ऑथोरिटीज दे कैन डू वट एवर बेस्ट दे कैन डू फॉर देयर स्टेट्स राइट तो दिस पीपल आर हैविंग द ऑथोरिटीज एज वेल एज दिस पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देर ओन स्टेट गुजरात में केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं देन दिस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल क्या कर रहे हैं भाई क्यों ऐसा हो रहा है वाई दर इज नथिंग हैपनिंग डेफिनेटली पीपल विल से लाइक दैट ओनली नो कि यार ये कर क्या रहे हो क्यों नहीं रहा है ये लॉकडाउन खत्म अब बंद क्यों नहीं हो रहा वायरस स्प्रेड ऐसा नहीं सोचेंगे कि लोगों की गलती है करेक्ट तो इवन द मिडल लेवल पीपल आर ऑल्सो हैविंग द ऑथोरिटी एंड सेम वे दिस पीपल आर ऑल्सो हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट दर लिमिटेड स्टेट लिमिटेड एक है जगह उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट एंड कमिंग टू द बॉटम लेवल पार्ट तो कैन आई से कि सी एम है वेरियस कमिश्नर ऑथोरिटीज आर देर तो उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर्स आर देर में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं राइट एंड दिस पीपल दिस पीपल आर ऑल्सो हैविंग द ऑथोरिटी अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में कैसे कहाँ पर क्या कर्फ्यू करना है क्यों करना है दिस पीपल ऑल्सो कैन टेक द डिसीजन कि भाई नहीं ये जगह पर बहुत ज्यादा वायरस स्प्रेड हो रहा है तो वी नीड टू मेक अ करफ्यू ओवर हियर यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहाँ पे कर्फ्यू उन लोगों ने नहीं रिमूव uh, किया था टिल सर्टेन डेट्स राइट वाई सो बिकॉज देर आर सो मैनी केसेस राइट सो दिस पीपल आर ऑल्सो हैविंग सम ऑफ द ऑथोरिटी बट कैन आई से दिस पीपल आर हैविंग द लीस्ट ऑथोरिटी एज कंपेयर टू द अबव टू दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड सी एम्स राइट सो दिस पीपल आर ऑल्सो हैविंग द ऑथोरिटी बट इट इज कम्पेरेटिवलीस बट एज अ common people, you cannot say ki you don't have the authority, right? They do have the authority. Then only they will be able to perform that duty. Then only they will be able to perform their responsibility. Because वो लोगों को अच्छे से पता है कि अहमदाबाद में भी various areas के हिसाब से हमें work करना है। हर area को एक तरीके से treat नहीं कर सकते, correct? सो ह्यूर ऑल्सो दिस पीपल आर हैविंग द ऑथोरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कैन आई से ये जो लोग है यहाँ पे दिस आर दीपल हु आर वर्किंग लाइक एनी थिंग टू स्टॉप दिस थिंग ये वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए दिस आर दीपल हु आर वर्किंग लाइक एनी थिंग राइट दिस इज द स्टेज वेयर वर्क इज मोर देन टेकिंग द डिसीजन दिस पीपल आर वर्किंग हार्डर एंड हार्डर डे बाये जस्ट टू स्टॉप दिस वायरस राइट जस्ट टू स्टॉप स्प्रेडिंग दिस वायरस राइट वो एरिया वाइज चेकिंग कर रहे हैं या वॉट एवर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं पर कैन आई से द बॉटम लेवल इज वर्किंग वेरी हार्ड एज कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग थिंग उन लोगों के पास यहाँ से रूल बुक होते हुए आई है ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे रूल बुक दी इन लोगों ने यहाँ पे रूल बुक दी तो दे ऑलरेडी हैव द रूल्स फ्रेमड

ये मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए क्योंकि एज ऑफ नाउ दिस कोरोना वायरस इज इन ट्रेंड ट्रेंडिंग है तो हमें इससे बेटर समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ राइट नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट बुक जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ट्राइंगल बनाया वैसे एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया हुआ है इन लोगों ने जिसमें लिखा हुआ है कि टॉप लेवल में कौन आएगा मिडिल लेवल में कौन आएगा और बॉटम लेवल में कौन आएगा दैट यू आर सपोज टू सी ऑन योर ओन रीड ऑन योर ओन मुझे यहाँ पे एज ऑफ नाउ क्या क्लैरिटी करनी है पेज नंबर सेवन पे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट इफ यू कैन सी पेज नंबर सेवन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस होल डिफरेंस सो दैट on the basis of this particular difference you will be able to understand all these three levels in a very better way let's understand the first point is management and administration or top level management, yes, top level management you can see proportion of management is more and administration is less why right? so बिकॉज the टॉप management इज हैविंग the highest ऑफ the responsibility टू टेक the decisions कि भाई मैनेज कैसे करेंगे क्या क्या कैसे कैसे किस तरीके से होगा प्राइम मिनिस्टर जी देखेंगे कि भाई कौन से स्टेट में क्या 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 होना चाहिए राइट सो द मैनेजमेंट पार्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पार्ट काम करने से ज़्यादा काम कैसे करेंगे वो पार्ट वहां पे ज्यादा आएगा राइट मिडिल लेवल पे ऑफ मैनेजमेंट इज लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर डेफिनेटली यहाँ से कुछ रूल बुक यहाँ पे गई है ना टॉप लेवल से मिडिल लेवल तक तो डेफिनेटली द मैनेजमेंट का पार्ट इज कंपेयर टू टॉप लेवल अलब लेस बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इज मोर काम निकलवाना इज मोर एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे हम देखें मैनेजमेंट इज टू लेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैक्सिमम वाई सो बिकॉज यहाँ तो एक रूल बुक बनी वो इधर गई और फिर यहाँ पे भी एक रूल बुक बन के इधर ऑलरेडी जा चुकी है कि भाई अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू परफॉर्म सो दे डू हैव द मैनेजमेंट पार्ट रेडी दे आर नाउ सपोज टू वर्क राइट देन इट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स जनरल मैनेजर्स एक्सेट्रा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्डेड इनमेंट एंड सुपरवाइजर जॉबर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दॉटम लेवलिटी एंड एक्सप्लेन करा राइट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर दिस थिंग अभी अभी आपको बताया हाइय दिटी द प्राइम मिनिस्टर इज है to blow the candles we will do that he is saying to uh, go and ring the bells uh, on the balcony we'll do that he is having the highest of the authority if he is saying that now no more lo lockdown then we'll also follow if he's saying now there is a curfew everywhere then also we'll be following the same right so he's having highest of the authority but at the same time when something goes wrong in some part of the country still he will be responsible for the same the people will say that prime minister has not done anything in a proper way he is representing our na nation so he will be equally responsible as his authority also right so both authority as well as responsibility is more then comparatively less authority कंपेरेटिवली लेस ऑथोरिटी वेर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू डिपार्टमेंट ओनली मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई हाँ पी एम जितनी ऑथोरिटी नहीं है बट हाँ सी एम्स को ऑथोरिटी तो है ही गुजरात के सीएम को गुजरात डिपार्टमेंट के, uh, के जितनी ऑथोरिटी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ सो कंपेरेटिवली लेस ऑथोरिटी बट लिमिटेड टू देयर ओन डिपार्टमेंट राइट

टू टॉप लेवल टॉप लेवल से तो ज्यादा ही होंगे जितने डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग कम्पेयर टू टॉप एंड मिडल बोथ द नंबर विल बी हायर बिकॉज द वर्कर्स वर्किंग अंडर दिस टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इज डेफिनेटली मोर कम ऑलराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड प्राइम मिनिस्टर जी ऐसा बोले कि भाई मैं तो कुछ ही चीज़ें में चीज़ों में अच्छा हूँ मैं तो बस सिर्फ ऑर्डर्स दे सकता हूँ पर फिर फॉलो होता है कि नहीं आई डोंट नो ऐसा कभी वो बोल सकते हैं नहीं ही हैज़ टू बी एन ऑलराउंडर उसको पूरे देश को संभालना है पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सेम वे वैन द टॉप मैनेजमेंट इज देयर द मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ देयर ही कैन नॉट से कि नहीं मुझे तो प्रोडक्शन का को कोई आइडिया ही नहीं है परचेज में ऐसा है ऐसा हुआ था आई डोंट नो ही कैन नेवर से सो राइट ही हैज टू बी एन ऑल राउंडर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे यहाँ पे इलेवेंथ के बच्चे पढ़ते हैं ट्वेल्थ के बच्चे पढ़ते हैं सी के बच्चे पढ़ते हैं तो आई डोंट नो सी फाइनल में कौन स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ विल इट डू डेफिनेटली नॉट आई शुड नो एवरी थिंग ना एटलीस्ट आई शुड हैव एन आइडिया अबाउट द सेम राइट इवन दो आई हैव वेरियस पीपल हैंडलिंग दोज थिंग्स स्टिल आई शुड हैव एन आइडिया अबाउट द सेम इज़ रिक्वायर्ड मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा थोड़ी देर पहले कि भाई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैविंग अ टारगेटेड स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ दर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वन ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट खुद का और सब डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज नहीं बट नॉलेज होना चाहिए देन ओनली दे कैन परफॉर्म द ड्यूटीज राइट फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज हियर इट इज द हाइएस्ट बिना पढ़े ही पता चल जाए कि भाई उनका काम ही है ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज सब फ्रेम करने का राइट टॉप लेवल का इट इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फार्मूलेटेड बाई द टॉप लेवल मैनेजमेंट उन लोगों का काम क्या है मिडल लेवल मैनेजमेंट का टू इम्प्लीमेंट वट एवर कम्स फ्राम द टॉप लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करवाना रहा अदर करना भी नहीं इम्प्लीमेंट करवाना एंड दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड डिसीजन फ्रेम बाई टॉप एज वेल एज मिडल लेवल उन लोगों को टॉप का भी ध्यान रखना है एंड मिडल लेवल का भी ध्यान रखना है वो सब दोनों जो भी बोले वो सब फॉलो करवाना है देन अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मानी क्या आई कैन से responsibility. मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो so, पढ़ाने के लिए आई एम अकाउंटेबल पर्सन मैं गलत पढ़ा दूँ तो आई एल बी अकाउंटेबल आई responsible. मैं कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा दूँ आई be रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई एल बी द अकाउंटेबल तो here ऑल्सो this level is accountable towards shareholders, creditors, government departments, legal provisions, etc. with top-level authorities accountable to all. Sare stakeholders, ko they are accountable. when one organization does not perform well, the top-level management is responsible. the top-level management will come forward in front of the public and say something. इफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स वेल देन ऑल्सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज गोइंग टू रीप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन दे आर अकाउंटेबल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल आउट देर राइट देन मिडल अकाउंटेबल टूअर्ड्स टॉप लेवल क्योंकि मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक को आंसर देने नहीं जाने वाले या स्टेक होल्डर्स को आंसर देने नहीं जाने वाले दे आर रिस्पॉन्सिबल टूअर्ड्स द टॉप लेवल अथॉरिटी वो उनको आंसर दे देंगे देन इट इज फाइन देन टॉप लेवल विल हैंडल राइट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू होम रिस्पॉन्सिबल टू होम मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनसे कुछ गलती हुई है या उनसे कुछ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है वॉट वो सबका रिपोर्ट वो कहाँ देंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट राइट सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू पीपल आउट देयर टू स्टेक होल्डर्स टू गवर्नमेंट मैन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर ही इज अकाउंटेबल टू Worldwide, right? And the all the public of the nation, right? Middle level management is accountable to whom? The top level management? Wo unko bata then it is fine. Top level will handle. And bottom level is accountable to whom? Middle level management, right? Then decisions. Here, whatever decisions are taken are more risky. Prime Minister Zika decision. कुछ थोड़ा भी गलत निकला तो पूरे देश को अफेक्ट करेगा राइट सो द डिसीजन दैट ही इज टेकिंग इज रीचिंग टू द होल नेशन राइट सो आई कैन से द डिसीजन टेकन बाय हिम इज अ फार रीचिंग डिसीजन इट इज़ टू रिस्की व्हाई सो बिकॉज एक भी गलत हो गया तो पूरे नेशन को अफेक्ट करके रख देगा there are some leaders who are still focusing on the economy rather than focusing on the people and in that case the whole nation is now getting the circumstances the consequences of the same right so here also when the top level management does anything it is risky why so because it is going to impact the whole organization everywhere right so it is मोर रिस्की एंड रीचिंग क्योंकि हर जगह उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी उनके सारे डिसीजन राइट देन डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग यहाँ पे भी फार रीचिंग वर्ड लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे भी है एंड देन हैव रिटन टू अ लार्ज एक्सटेंड क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला टू द नेशन एज अ होल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हर जगह पे उसकी इम्पैक्ट आएगी वेर एज

एंड द डिसज टेकन बाई दैम आर डेफिनेटली गोइंग टू बी लेसर रिस्की एज कम्पेयर टू द टॉप लेवल बिकॉज टॉप लेवल जो डिसीजन लेता है वो तो एज ए पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट करता है वेर एज मिडल लेवल में जो डिसीजन हो रहे हैं वो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर इम्पैक्ट करने वाले हैं करेक्ट एंड देन बॉटम लेवल में डिसीजन टेकन बाय दैम आर लीस्ट रिस्की एंड फार रीचिंग येट लीस्ट रीच की रिस्की बट इट इज फा रीचिंग राइट क्योंकि उनके द्वारा जो डिसीजन्स लिए गए हैं वो उनके अंडर में काम करते हुए सभी लोगों को इम्पैक्ट करने वाले एंड द डिसजन्स आर टेकन रॉन्ग दैन दिस इम्पैक्ट वॉट एवर इम्पैक्ट दे हैव मेड ओवर ही दिस इम्पैक्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट विल कम ओवर ह्यर ऑल्सो फार रीचिंग तो है पर वो यहाँ से ले कर यहाँ तक जाएगा कुछ डिसीजंस बहुत बुरे हो गए तो वरना पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं से अटक जाए यहाँ कुछ गड़बड़ी हो तो यहाँ पे ही उसका सॉल्यूशन मिल जाए डिपेंड करता है कि भाई कैसा डिसीजन लिया हुआ decision है डिसीजन लिए हुए हैं राइट सो दिस इज हाउ द डिफरेंस हैज़ बीन एक्सप्लेन इन आर टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करा नाउ फॉर टू डेज क्लास वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डू अ होमवर्क फॉर मी यहाँ पे आपको टॉप लेवल बॉटम लेवल मिडल लेवल के फंक्शंस दिए हुए हैं दैट फंक्शंस यू आर सपोज टू रीड इट ऑन योर ओन आपको खुद से पढ़ने हैं खुद से समझने भी है इफ़ देर इज एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर ऑफ़ द वीडियो आई होप यू आर क्लियर विद द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेशन थैंक यू